व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। मैसेज बहुत कमाल का है, बहुत गहराई है जिंदगी की और श्री कृष्ण जी के बारे में है, तो आई एम श्योर सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगेगा। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी से सब कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर नंद यशोदा जो मिले थे वो भी छूटे, फिर संगी छूटे, फिर साथी छूटे, फिर राधा भी छूटी, फिर गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। मतलब सब चीजें छूटते ही चली गई, सबसे रिश्ते नाते टूटते ही चले गए, सब पीछे छूटते ही चले गए, लेकिन अगर कुछ नहीं छूटा तो वो क्या था? उनकी प्यारी से मुस्कुराहट, यानी कि उनकी प्यारे से मुस्कान, उनकी सकारात्मकता यानी कि उनकी पॉजिटिविटी, और उनका देवत्व यानी देवता समान अस्तित्व। तो इसका मतलब है कि जिंदगी में सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है, कैसे अपनी मुस्कुराहट को मेंटेन किया जा सकता है और कैसे पॉजिटिविटी हमेशा रखी जा सकती है, वो हमें श्री कृष्ण जी से सीखना है कि सब कुछ, सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां आने के बाद भी सदा ही मुस्कुराते रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। थैंक यू सो मच। वी शेयर, वी ग्रो।